नमस्कार। आज हम मल्टीग्रेन इडली बनाएंगे। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है, तो इसके लिए हमें चाहिए सूजी रवा 1 कप, गेहूं का आटा 1/2 कप, रागी 1/2 कप, बेसन 1/2 कप, और इन सभी को हमें अच्छी तरह से छान लेना है ताकि ये एक जैसे मिक्स हो जाए। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी भी होता है। आप चाहे तो वेट लूज के लिए भी ये वाला रेसिपी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे दही 1 कप, नमक आपके स्वादानुसार डालें, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, और इन सभी को अच्छे से मिला लेना है। जरूरत के मुताबिक पानी डालें और इसको अच्छी तरह से मिला लें। तो बहुत ज्यादा पतला या फिर बहुत ज्यादा गाढ़ा घोल नहीं बनाना है आपको। ये देखिए, ऐसे कंसिस्टेंसी में बनाना है आपको। और इसको आप ढक करके रख दें 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद ये इडली का जो बैटर है ये पकाने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी हम लेंगे इडली का सांचा, इसमें हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा तेल लगा देंगे ताकि इसमें से आसानी से इडली जो पकने के बाद निकल जाए। इसमें हम 1/2 1/2 भरेंगे इडली का जो बैटर था। ये इंस्टेंट इडली है, आप जब चाहे तब बना सकते हैं। तो ऐसे जो नीचे वाला सांचा है इसमें हम कुछ भी नहीं भरेंगे, और जितना भी आपको बनाना है ऐसे एक के ऊपर एक रख देना है। और पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, ऑलरेडी बॉयल हो चुका है। इसको हम 5 मिनट हाई फ्लेम में और 5 मिनट जो है मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। उसके बाद 10 मिनट ठंडा होने के लिए देंगे। 10 मिनट के बाद मैं खोल के देख रही हूँ, इडली हमारा अच्छे से पक गया है। तो एकदम सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। इसको आप सब्जी के साथ या फिर नारियल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।